यूपी पुलिस ने देह व्यापार से महिला को कराया मुक्त। 5 महीने पहले सतना से नाराज होकर निकली वाराणसी में मिली। मध्य प्रदेश की सतना की पुलिस ने वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के समीप छापा मारकर एक महिला को देह व्यापार से मुक्त कराया। पुलिस ने महिला को देह व्यापार के दलदल में धकेलने वाले एक युवक को भी हिरासत में लिया। दोनों को लेकर पुलिस टीम सतना रवाना हो गई। महिला के बयान के आधार पर हिरासत में लिए गए युवक के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैंट रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका देह व्यापार के लिए कुख्यात है। मध्य प्रदेश पुलिस के अनुसार सतना के गोलगवा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक शादीशुदा महिला 5 महीने पहले किसी बात से नाराज होकर घर से निकली थी। परिजनों ने स्थानीय थाने में 6 जून 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मध्य प्रदेश पुलिस ने महिला की खोजबीन शुरू की तो पता लगा कि वह वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके में रह रही है। महिला की तलाश में मध्य प्रदेश पुलिस ने 2 हफ्ते पहले भी सिगरा क्षेत्र में दबिश दी थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। महिला के संबंध में सटीक सूचना मिलने पर बीती 27 अक्टूबर को मध्य प्रदेश पुलिस फिर आई और कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर सिगरा क्षेत्र तक उसकी तलाश शुरू की। मंगलवार की रात महिला को कैंट रेलवे स्टेशन के समीप से गोलू नामक युवक के साथ पुलिस ने बरामद किया। झांसा देकर कराने लगा देह व्यापार। पुलिस की पूछताछ में पता लगा कि महिला घर से निकलकर वाराणसी आ गई थी। यहां वह कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर इधर उधर भटक रही थी। इसी बीच उसे गोलू नामक युवक मिला और वह अपने साथ जीवन भर रखने का झांसा देकर धोखे से देह व्यापार के गंदे धंधे में धकेल दिया। मध्य प्रदेश पुलिस के ASI SL तिवारी के नेतृत्व में आई टीम सिगरा थाने में लिखा पढ़ी की कार्रवाई करने के बाद महिला और गोलू को अपने साथ ले गई। वहीं इस संबंध में सिगरा इंस्पेक्टर राजू सिंह ने बताया कि लिखा पढ़ी की कार्रवाई के बाद दोनों को मध्य प्रदेश के सतना की पुलिस को सौंप दिया गया है। बने रहें खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।